बोलिए सदगुरु देव की जय। परम वंदनीय संत समाज, आप लोगों के बीच नियमानुसार कुछ देर कुछ विचार प्रस्तुत हैं। अभी हम सब बहुत ही सुंदर भजन सुन रहे थे। दीवाने मन भजन बिना दुख पइहो। ये जो मनुष्य का तन मिला है, जो शरीर हम सबको मिला है, इसका मिल जाना ही सब कुछ नहीं है। मिल गया, जी लिए, एक दिन मर गए, बस खत्म, ये नहीं है। जीवन की सार्थकता है भजन करना। भजन का मतलब सुखपूर्वक जीवन जीना, संवार करके जीवन जीना, अच्छे से जीवन जीना। क्योंकि यदि हम अच्छे से जीवन नहीं जिएंगे, सुंदर ढंग से जीवन नहीं जिएंगे, तो हमें ही दुख मिलेगी, पीड़ा मिलेगी, कष्ट मिलेगा। इसलिए इसे अच्छे ढंग से जीवन जीना है, जितना हो सके, जितना बन सके, संवार करके जीवन जीना है। भजन में अभी सुन ही रहे थे कि अगर हम भजन नहीं करेंगे, अपने जीवन को सुंदर नहीं बनाएंगे, तो हमें क्या क्या दुख भोगना पड़ेगा, कौन कौन सी पीड़ा हमें मिलने वाली है, सुन ही रहे थे। एक बार की बात है, स्कूल में बहुत से बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन सभी बच्चों के बीच में एक लड़का ऐसा था जो एकदम उदास बैठा हुआ था। उसका मन लग ही नहीं रहा था पढ़ाई में। शिक्षक एक दिन, दो दिन, तीन दिन देखता रहा, देखता रहा। एक दिन वो उससे बच्चे को कहा कि बेटा, तुम हमेशा क्लास में उदास क्यों बैठे रहते हो? क्या तुमको पढ़ाई में मन नहीं लगता है? तो उसने कहा कि सर, कुछ बात ऐसी है जो जिसके कारण मैं अपना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं, ध्यान एकाग्र नहीं कर पा रहा हूं। तो उसके टीचर ने, उसके शिक्षक ने उसे कहा कि जब स्कूल समाप्त हो जाए तो घर जाने से पहले मेरे पास आना। जैसे स्कूल समाप्त हुआ, वह बच्चा घर जाने से पहले अपने शिक्षक से मिला। शिक्षक ने उसे लेकर अपने घर गया। उस स्टूडेंट को, इस छात्र को लेकर के वो शिक्षक अपने घर चला गया और घर में ले जा करके बैठाया और बैठा करके अपना किचन में चला गया, रसोई में चला गया। और उस बच्चे के लिए नींबू का शरबत बनाया। लेकिन शरबत बनाते समय वह शक्कर न डाल करके, चीनी न डाल करके नमक डाला और नमक थोड़ा ज्यादा ही डाल दिया और ले करके आया। शिक्षक आए और उस बच्चे को, जो बैठा हुआ था, उसको देते हुए कहा, कहे कि लो शिकंजी पी लो। छात्र लिया और पीने लगा। बस एक घूंट पिया कि मुंह एकदम अनमना सा बनाते हुए कहा कि सर, ये तो पीने लायक नहीं है। कहा क्या हुआ?
कहा कि इसमें नमक बहुत ज़्यादा है इसके। तो टीचर ने कहा लाओ इसे फेंक देते हैं। तो लड़का कहता है कि नहीं सर, फेंकने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ा सा शक्कर और शक्कर मिला देते हैं ताकि नमक कम हो जाएगा और चीनी शक्कर मीठा पता चलने लग जाएगा। मिलाया शक्कर और फिर पी गए। तब उस शिक्षक ने कहा कि जैसे ही तुम्हारा ये शरबत शुरू में फेंकने जैसा था, इसका कोई मूल्य नहीं था, लेकिन उसमें थोड़ा सा शक्कर डाल दिए तो ये अच्छा हो गया। इसी प्रकार तुम्हारे जो पुराने अनुभव हैं, जो पुराने जिस कारण से तुम्हें दुख हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, कष्ट हो रहा है, उसको तुम बदल डालो। अगर तुम अपने पुराने अनुभवों को बदल दोगे तो तुम अच्छे ढंग से जीवन जी सकते हो, अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं आखिर अपने पुराने इन अनुभवों को बदलूं कैसे? तो फिर शिक्षक ने समझाते हुए कहा कि जैसे तुम शरबत में शक्कर डाल दिए, मिठास डाल दिए, तो जो नमक था वो धीरे धीरे कम हो गया। नमक का स्वाद हमने वहां से नमक निकाल करके फेंके नहीं हैं, उसमें बस शक्कर मिलाए हैं, उससे वो शरबत पीने लायक हो गया। वैसे ही जीवन में तुम अच्छे विचारों को, अच्छी चीजों को अपने जीवन में उतारते जाओगे तो एक दिन वो जो पुराने गलत अनुभव हैं वो धीरे धीरे सुप्त हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, उसकी तुम्हें याद भी नहीं आएगी और वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। हम सबके भी जीवन में ऐसा ही होता है। हम सब अपने जीवन में देखते हैं कि कई बार ऐसी बातें होती है जिसके वजह से हम अच्छे से जीवन नहीं जी पाते हैं। बार बार वो चीज़ें दिमाग में आती रहती है, यहाँ तक कि इतना दिमाग में टेंशन हो जाता है, बोझ हो जाता है कि हम रोने लग जाते हैं। कई बार कई लोग उस टेंशन को झेल नहीं पाते, उस दुख को, उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाते हैं और गलत कदम उठा लेते हैं। अभी कल ही की घटना है, एक्टर सुशांत राजपूत, क्या कमी थी उसके पास, इतना धन, इतना दौलत, भारत के क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर उन्होंने फिल्म बनाया था जिसमें धोनी का किरदार निभाया है उसने। पीके में जो लड़का था, मुसलमान बना था, वो भी वही था, इतना अच्छा एक्टर था कि बहुत अच्छा एक्टिंग करता था। अभी अंतिम में उसकी एक फिल्म आई थी छिछोरे करके, उसमें भी उसने बहुत अच्छे ढंग से वहां पर ट्रीट किया है कि जब गलत सिचुएशन आ जाता है तो हमको कैसे हैंडल करना चाहिए। वो उस फिल्म में वो किरदार निभाया है कि हमें गलत सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, कैसे अपने आप को बचाना है, लेकिन जब उसके ही जीवन में आया तो वो अपने आप को नहीं संभाल पाया। जब उसके ही जीवन में वो घटना घटी, कुछ हुआ, तो वो दुख से, पीड़ा से अपने आप को सहन नहीं कर पाया, नहीं बचा पाया और फांसी लगा करके मर गया। तो मैं कह रहा था कि हम अपने जीवन के जो पुराने चीजें हैं, पुराने अनुभव हैं, उनको कैसे बदलें? उसका एक ही तरीका है कि हम अच्छे चीजों को इकट्ठा करते जाएं, सद्गुणों को हम इकट्ठा करते जाएं। जैसे सादा पानी में
एक बूंद अगर कोई कलर डाल दे, वो पानी कलर के रूप में बदल जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में अगर अच्छे सद्गुण आते जाएंगे तो हमारा जीवन भी बदलते जाता है। ये नहीं है कि उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ, यह सच है कि हर जगह पे बुराई ज्यादा उभर जाती है। जैसे हम सब देखते हैं दूध को हर घर हर गली गांव गांव में घूम घूम करके बेचना पड़ता है, लेकिन शराब का कहीं पर आपको बेचने वाला आदमी घूम करके नहीं बेचता है। उसका एक जगह, वो भी गांव से दूर, एकदम अलग दूर ही रहेगा उसका दुकान, लेकिन फिर भी पीने वाला वहां जाता है, पैसा देता है और पीता है। और बड़े मजे की बात है, वहां कभी उधार नहीं चलता है, और दूध हमेशा उधार चलता है। दूध पहले पीते हैं और उसका पेमेंट पैसा बाद में देते हैं। लेकिन शराब पहले पैसा दोगे तब बोतल मिलती है। वैसे ही जब अच्छाई जल्दी मिलती नहीं है लोगों को, क्योंकि हम अपना दिमाग ही वैसा करके रखे हैं। हम जो चीज अच्छाई की तरफ अगर आगे बढ़ेंगे, अच्छा चीज ढूंढने लगेंगे, तो रोज हमें अच्छा अच्छा चीज मिलता जाएगा। मोबाइल उपयोग करने वाले कई लोग जानते हैं, जैसे कि हम यूट्यूब उपयोग करते हैं, तो यूट्यूब में हम जो वीडियो एक दिन देखते हैं उसी की रिलेटेड वीडियोस रोज आने लग जाते हैं। जैसे एक दिन हम सत्संग का वीडियो देखें तो रोज जब हम देखेंगे तो सत्संग का वीडियो आने लगेगा। लेकिन एक दिन कोई गलती से गलत चीज देख दिए या गलत चीजों का एडवर्टाइज आ गया और उसको आप छू दिए, तो फिर रोज उसी ढंग का एडवर्टाइज आने लग जाता है। तो वहां पर चुनाव हमको करना पड़ता है कि हम किस ढंग का चुनाव करते हैं। यदि हम अच्छे चीजों का चुनाव करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन अच्छा होता जाएगा और अच्छी चीजों में हमारा मन लगता भी जाएगा। नहीं तो बुरे चीज इतने बुरे होते हैं कि अगर उनकी लत एक बार इंसान को लग जाए तो फिर वो छूटती नहीं है। उसके लिए फिर मेहनत करना पड़ता है। कोई भी आदत हो, जिसको हम आदत कहते हैं, अगर अच्छा आदत है तब तो वो अच्छा है, लेकिन गलत आदत है तो वो लगने के समय तो पता नहीं चलता है। एक दिन उपयोग किए कोई चीज अच्छा लगा, फिर दूसरे दिन उपयोग किए, फिर तीसरे दिन उपयोग किए, अच्छा लगता रहा, उसके आदि हो गए, और एक दिन ऐसा आएगा कि हम उसके बिना ही नहीं रह पाएंगे। जो व्यसन करते हैं लोग, उनके साथ क्या होता है? उनके साथ वही तो होता है, किसी दिन यार दोस्त साथी ने कहा कि अरे यार पी के देखो, एक दिन पिलाया, दो दिन पिलाया, उसके बाद बेचारे के पास पैसा नहीं है तो घर का सामान बेच बेच कर पीते हैं। तो जो चीज हम चाहते हैं वो चीज हमें मिलती जाती है और हम उसी के आदि बनते हैं। अगर हम अच्छे चीजों का चुनाव करते हैं तो धीरे धीरे हमारा आदत अच्छे चीजों में बन जाएगा। हम अपने जीवन का चुनाव करें, अक्सर इसीलिए कहा जाता है कि चुनाव अच्छे चीजों का होना चाहिए। हम अगर अच्छे चीजों का चुनाव करते हैं, अच्छे सद्गुणों का चुनाव करते हैं, अच्छी वाणियों का चुनाव करते हैं, तो वो दिन प्रतिदिन अच्छा होता चला जाता है। जैसे अभी हमारे बहुत से साथी लोग बीजक याद करते हैं, तो उन लोगों को बार बार जो पाठ लेते हैं या जिनको वो सुनाते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ क नहीं का है, की है, या कोई शब्द होता है वो गलत ढंग से उच्चारण करते हैं, तो उसको कहते हैं कि इस ढंग से नहीं, इस ढंग से उच्चारण करो। क्योंकि क्या है, अगर उस समय गलत याद हो गया और गलत ढंग से अपने जीवन पे आ गई, गलत ढंग से याद हो गया, तो वो हमेशा फिर गलत ही याद चलता रहेगा। इसलिए उसको उसी समय बदलने के लिए कहते हैं।
और जब वो सही ढंग से याद हो जाता है तो फिर जीवन भर अच्छे ढंग से ही बना रहता है। तो हम सबको अपने जीवन में भी वही देखना है कि हम अपने जीवन में अच्छी चीजों का इनपुट करें, क्योंकि अच्छी चीजों का इनपुट हम जब करते हैं, अच्छे चीजों का चुनाव जब कर लेते हैं, तो धीरे 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 अच्छे विचार हमारे दिल दिमाग में आने लगते हैं और उन्हीं चीजों का फिर हम अपने जीवन में उत्थान करते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अच्छे चीजों का चुनाव करें। मैं कह रहा था कि अपने जीवन को अच्छे चीजों के लिए आगे बढ़ाएं। हम सबको चाहिए, हम साधक हैं, साधना क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले राही हैं, अपने जीवन में भी देखें कि कौन कौन से दुर्गुण हैं, कौन कौन से गंदी आदतें हैं, गलत शब्द हैं। ऐसा नहीं कि मैं एकदम दूध का धुला हूं या एकदम अच्छा हूं, ऐसा भी नहीं है। जो चीजें हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं वही यहां भी निकलता है। जिन चीजों का हम अपने जीवन में अनुभव ही नहीं किए रहेंगे, वो बातें अगर निकलती है तो या तो हम पुस्तक से, ग्रंथों से पढ़े होते हैं तभी निकलता है। अक्सर मैं तो यही देखता हूं कि जो चीज हम जो सुनते, देखते या कभी कभार पढ़ते लिखते रहते हैं, वो चीजें जब दिमाग में आती है तो लगता है, विचार में आता है कि नहीं, इस ढंग से करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, अपने जीवन को इस ढंग से बनाना चाहिए, ऐसे करेंगे तो हमारा जीवन इस ढंग से अच्छा बनेगा, ऊंचा हो उठेगा। तो इन चीजों में बार बार मंथन होता रहता है और साधक का काम ही यही है कि अपने जीवन में जितना बन सके मंथन करते रहे। जैसे दही को जितना मथते हैं उतना अच्छे ढंग से क्रीम निकलता है, मलाई निकलता है, कम मथेंगे तो कम निकलेगा, इसलिए अच्छे से मथते हैं। तो वैसे ही हमें अपने मन को मथना है और जितना मथेंगे, जितना हम उसमें विचार करेंगे, उतना हम उसमें गहराई से डूबते जाएंगे।